11.3 अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई। कार्बन और सल्फर दो ऐसी अधातुएं हैं जिनकी जानकारी प्राचीन काल में भी थी। इनके खोजे जाने की तिथि और खोजने वाले का नाम ज्ञात नहीं है। प्रकृति में कार्बन हीरा और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है और इन दोनों अपर रूपों का उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में मिलता है, किंतु उस समय इन्हें अलग अलग पदार्थ समझा जाता था। आधुनिक रसायन शास्त्र के विकास के साथ ही यह समझ बनी कि ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि सभी कार्बन हैं। इन्हें जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। लवाइजिए ने दोनों के दहन से यह सिद्ध किया कि दोनों में तत्व कार्बन ही है। अतः सन 1789 में प्रकाशित तत्वों की तालिका में उसे कार्बन नाम से स्थान दिया गया। इसी प्रकार सल्फर की जानकारी भी प्राचीन काल में थी और लवाइजिए ने ही सिद्ध किया कि यह भी तत्व है। फास्फोरस की खोज मध्यकाल 1669 में हैम्बुर्ग के एक व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की। मध्यकाल तक गैसीय पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, क्योंकि अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में मिलती हैं, इसलिए उनकी खोज तभी हुई जब गैसों को प्राप्त तथा एकत्रित करने की विधियां विकसित हुईं। उससे पूर्व गैस अवस्था की कोई स्पष्ट समझ न होने के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसों के भाग लेने या अभिक्रिया के बाद बनने को नहीं समझा जा सका था। इस कारण कई रासायनिक अभिक्रियाओं, विशेषकर दहन की प्रकृति को समझने में बहुत समय लगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में हेल्स नामक वैज्ञानिक ने गैस यांत्रिकी ट्रफ, न्यूमेटिक ट्रफ का निर्माण किया, जिसके द्वारा दहन एवं अन्य अभिक्रियाओं में उत्पन्न गैसों को इकट्ठा करना संभव हो सका। इस उपकरण की सहायता से अन्य वैज्ञानिक गैसों को पृथक कर उनका अध्ययन कर सके और इस प्रकार गैसीय अधातुओं की खोज संभव हुई। इसके बाद अधातुओं की खोज में तेजी आई। शीले एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे जिन्होंने सन 1771 में फ्लोरीन और सन 1774 में क्लोरीन तत्वों की खोज की। धीरे धीरे अन्य अधातुओं की भी खोज हुई। अक्रिय गैसें प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, किंतु इनकी मात्रा अत्यंत अल्प होती है। इस कारण इनकी खोज में भी समय लगा। सन 1785 में कैवेंडिश ने वायु के कुछ प्रयोग किए। उन्होंने वायु से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक किया, तब एक अज्ञात गैस के बुलबुले देखे, जो संभवतः आर्गन थी, किंतु वे उसकी पहचान नहीं कर पाए। इसे नए तत्व के रूप में पहचानने में 100 से भी अधिक वर्ष लगे। सन 1894 में रैमसे और रैले नामक दो वैज्ञानिकों ने देखा कि वायु से प्राप्त नाइट्रोजन का घनत्व शुद्ध नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होता है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वायु में कोई और गैस भी शामिल है। उन्होंने इस गैस को अलग किया और आर्गन नाम दिया। रैमसे ने ही अन्य अक्रिय गैसों हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन की भी खोज की। इस तरह 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकतर अधातुएं खोजी जा चुकी थीं।